जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। अब तक चुप थी क्योंकि माँ बोल रही थी। समझ सकती हूँ आपका गुस्सा। जितना बुरा आपको लगा उतना ही बुरा मुझे लगा जब मेरी किंजल को इस घर में परेशानी हुई। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर मेरा विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी हुआ वो किसी ने जानबूझ के नहीं किया। वो तो हालात ऐसे थे कि खैर छोड़िए, दोबारा से ऐसा नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूं कि मेरी किंजल को इस घर में जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। मैं अपनी बेटी का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी? What a joke! बेटी कहने और बेटी मानने में बहुत फर्क होता है अनुपमा। अगर तुमने सचमुच किंजल को अपनी बेटी माना होता ना, तो आज किंजल का ये हाल नहीं होता। एक मिनट, ये हाल हो गया उसका क्या मतलब है? हम कोई किंजल से गधा मजूरी नहीं करवा रहे थे और ना दिन रात उसे कोड़े मार रहे थे। वैसे भी घर का सारा काम अनुपमा ही करती। अब कभी वो नहीं रहती है तो किंजल को एक दो काम हमने कह दिए तो उसमें वो कौन सी बड़ी नौकरानी बन गई। देखो अभी अनुपमा की माँ बीमार है और वो झिलमिल छुट्टी पे, इसलिए हम सब मिलके काम कर रहे हैं। वनराज के बापूजी प्याज छिलते हैं, मटर छिलते हैं, ये पाखी और समर भी काम में मदद करते हैं। मुझसे भी जितना होता है उतना मैं करती हूँ। किंजल घर की बहू है, मतलब सारा घर का बोझ उस पर थोप दे ऐसा नहीं है। और एक दो काम अगर किंजल को बोल दिए, रोटी बनाना या चाय बनाना, तो उसमें कौन सी बड़ी गलती हो गई? परिवार के लोग एक दूसरे के काम आ सकते हैं तो एक दूसरे को काम बोल भी सकते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे किंजल के काम में कमियां नहीं निकालनी थी, टोका टोकी नहीं करनी थी, पर क्या करूँ, सास हूँ, डांटे बिना तो समझा ही नहीं सकती। अब मुझे पता है कि ये आदत गलत है, पर है, क्या करूँ। आपको सुनाने की आदत होगी बा, लेकिन मेरी बेटी को सुनने की आदत नहीं है। और अगर घर के काम को लेकर इतनी प्रॉब्लम्स थी तो एक कॉल कर दिया होता, बता दिया होता मुझे, 10 नौकर भेज देती। अरे किंजल ने हमें प्यार से अगर बोल दिया होता कि उससे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं ही उसे नहीं कहती, मैं खुद जैसे तैसे कर लेती, पर उसे परेशान नहीं करती। और मुझे पता नहीं था कि किंजल को दो काम बोलने से घर में इतना कलेश हो जाएगा। काम का इशू नहीं था बा, इशू कंपैरिजन का था। कब तक एंशियंट सासू की तरह आप हरकतें करते रहेंगी बा? अंग्रेजी में एक कहावत है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, यानी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को थैंक यू कहिए। इसलिए थैंक गॉड बा कि आपके पास मेरी किंजल जैसी बहू है जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आपके लिए रोटियां बना रही है। तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे रोटी बनाना कोई छोटा या गिरा पड़ा काम है। गिरा पड़ा ना सही, पर ऐसा भी नहीं है कि जिसके लिए एक पढ़ी लिखी लड़की को ऑफिस से आने के बाद घंटों तक किचन में खड़ा रहना पड़े। इसी काम के लिए मेड्स रखी जाती है बा। और जिस दिन काम वाली छुट्टी पे हो उस दिन वो पढ़ी लिखी औरतों के बच्चे क्या करें, हा? अपने माथे पर चंदन लगा के उपवास पे चले जाए या स्कूल का बेल पेट पे बांध के लेट जाए? क्योंकि उसकी माँ तो पढ़ी लिखी है तो रोटी बनाएगी नहीं। तुम लोग तो घर के काम को ऐसे चिल्लाते हो जैसे बहू को मैंने कोई पड़ोसी के घर में पोछा लगाने के लिए भेज दिया। अरे अपने घर की रोटी बनाने से कोई नौकर बन जाता है? लीला बोलने दीजिए मुझे। आज समझा के सासू अगर बहू की ऑफिस के काम को छोटा समझती है तो वो गलत है, तो इन्हें भी समझा दो कि घर के काम को छोटा समझना भी गलत है। हम कोई भिखारी नहीं है जो काम वाली के पैसे बचाने के लिए किंजल को रसोड़े से बांध दे। अरे झिलमिल थी, अब छुट्टी पे गई है इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। बाप बिल्कुल सही कह रही है, मैं घर के काम करता हूँ, मटर छीलता हूँ, पंखे साफ करता हूँ, लॉन में पानी डालता हूँ, इसका मतलब सर्वेंट बन गया हूँ मैं। मैं घर के काम करता हूँ एंड आई फील प्राउड ऑफ इट।
और मुझे लगता है सभी को घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। एंड बाब्स, ऑनेस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप पर किसी ने भी प्रेशर डाला है। जब मम्मी बिजी होती थी, मैंने, स्वीटी ने या भाई ने आपको कोई भी काम करने कहा है क्या? नहीं, अगर कहा हो तो आप बताइए प्लीज। That's true भाभी, मैंने भी आज तक आपसे कॉफी नहीं मांगी, खुद बनाई। इनफैक्ट एक बार तो बापूजी ने मुझे कॉफी बना के दी थी। सब मेरी बेटी को मिलकर खेल रहे हैं। अनुपमा की ओर उंगली उठी नहीं कि लो आ गई अनुपमा की आर्मी। हम अपनी भाभी को क्यों घेरेंगे आंटी? भाभी आप बोलो ना कुछ। ओ शट अप यू बदतमीज लड़की। आपको तमीज का मतलब भी पता है? एक्सक्यूज मी समर। नहीं मम्मी, इनफ इज इनफ। समर सही कह रहा है। तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? तुम चुप रहो काव्या। सारी आगे मैदे की कटोरी ने तो लगाई है। बा, आग लगाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए अच्छे से जानती हूँ कि आग बाहर से भड़काई जा सकती है लेकिन लगाई अंदर से जाती है। ये आग भले काव्या ने भड़काई हो लेकिन लगाई आपकी लाडली अनुपमा ने है। मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुमसे तो बेटर ही कर रही हूँ बेटा, क्योंकि तुम तो कैसी भी बातें नहीं कर रहे हो। तुम चुपचाप सिर्फ अपनी मम्मी के पल्लू के आड़ में खड़े हो। मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तोशु प्लीज, इन सब में इन्वॉल्व मत हो। क्यों मत इन्वॉल्व हो? वो भी इसी घर में रहता है। हाँ तो मेड भी इसी घर में आई थी रहने के लिए, जिसे अनुपमा ने भगा दिया। अगर मेड होती ना तो ये सारा इशू नहीं होता। काम वाली अच्छी होती तो कोई नहीं भगाता, पर तू तो दुनिया में तेरे जैसी काम वाली ढूंढ के लेकर आ गई। जैसा जूता वैसा फीता, जैसे तू वैसी तेरी काम वाली गीता। और किंजल ने जो काम किया वो खुद ने किया, हमने कोई तलवार दिखा कर नहीं करवाया। हाँ तो बा, मैंने कब कहा कि आपने मुझे फोर्स किया? मैंने तो बस इतना ही कहा कि आपने मेरे हर काम में गलतियाँ निकाली। क्योंकि गलतियाँ थी, और हम बड़े काम में गलतियाँ निकालते इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे दुश्मन है, पर इसलिए कि कल जाके कोई बाहर वाला आके तुम्हारे काम में गलतियाँ न निकाले। कभी मेड निकाल दी, कभी गलतियाँ निकाल दी, आप लोगों को सिर्फ निकालना ही आता है, दैट्स इट। भाभी आप अपनी मॉम से कहिए ना कि बासे ऐसे बात ना करें। बाकी प्लीज डोंट गेट इनटू इट। आपने भाई से कहा डोंट गेट इनटू इट, काव्या ने मिसेस चा से कहा डोंट गेट इनटू इट, अब आप स्वीटी से कह रहे हो डोंट गेट इनटू इट, और आप लोगों को मम्मी और बा की बातें पसंद नहीं आई, और आप किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। अभी दिस इज नॉट फेयर। जब आप अपनी बात कह रही है तो दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका तो दीजिए। सब मेरी बेटी को घेर रहे हैं फिर से सब। मॉम ऐसा कुछ नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है तोशु। तो गलत लग रहा है। गलत लग रहा है क्योंकि गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है, गलत तुम कर रही हो। सब गलत है सब। मेरी बेटी का किचन में नौकरों की तरह काम करना गलत है। बा का उसकी गलतियां निकालना गलत है। अनुपमा का उसे बातें सुनाना गलत है। राखी बहन, जो मैंने किया उसे बातें सुनाना नहीं, बातें समझाना कहते। ओ शट अप। नहीं राखी बहन, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। किंजल सही कह रही है, गलती बा की है। बा सही कह रही है, गलती किंजल की भी है। आप और काव्या भी सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। ओ गॉड, ये महान बनते बनते फाइनली इसका दिमाग चल ही गया। गलती सबकी है और गलती किसी की भी नहीं है। बाकी बात अगर सुनेंगे तो बात सही है, अगर किंजल की बात सुने तो वो भी सही है। बात बिल्कुल सही है, पर बात पे और जाना वो गलत है। दूसरे की बात समझने की कोशिश न करना वो गलत है। छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देना वो गलत है। ये फर्क तो हर घर में होता है और हमेशा होता रहेगा। सास बहू, बड़े छोटे, सबकी सोच एक दूसरे से अलग होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि घर को बड़े और छोटे दोनों की जरूरत होती है। दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। ऐसे में कोई बड़ा अपनी जगह पे रुक जाए तो भी हाथ छूट जाता है, अगर छोटे जरूरत से ज्यादा तेज चले तो भी हाथ छूट जाता है।
जिंदगी में आगे बढ़ना है तो साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। मुझे बस इतना ही कहना था, अब ये बात यहीं पर खत्म। मारी ब्यूटीफुल, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा बेटा। आज से बल्कि अब भी से तू बस ऑफिस के काम पे ध्यान देगी, घर का चूल्हा चौका रसोई सारा काम मैं संभालूंगी। पहले दिन जो मैंने तुझसे वादा किया था वो वादा मैं पूरा करूंगी। आज से किंजल को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस इतना ध्यान रखना बेटा कि बड़े चाहे कुछ भी कहे पलट के जवाब मत देना। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत 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 सॉरी, पर चाहे जो हो जाए तू अनुपमा नहीं बनेगी, ये अनुपमा का वादा है तुमसे। तू ये राखी तबे वैसे ही पागल है, ऊपर से किंजल, क्या हो गया उसे? अरे प्रॉब्लम थी तो बोल देती, कंप्लेन करने की क्या जरूरत थी? और तुम, तुम्हें तो सब कुछ दिख रहा था ना, तुम्हें पता है घर में कितने इश्यूज चल रहे हैं, किंजल पे प्रेशर है, तुम उसके कामों में मदद नहीं कर सकती थी। काव्या तुम यहाँ पे अब मेहमान नहीं हो और ना ही बाकी सब तुम्हारे नौकर। ब्रिलियंट, गुस्सा चाहे किसी का भी हो उतारना वाइफ पर ही होता है। यू आर सच अ टिपिकल हस्बैंड, यू नो, अनुपमा के साथ भी वही करते थे और मेरे साथ भी वही कर रहे हो। पति जब दिन भर काम करके घर वापस बीवी के पास आता है तब हर बीवी को अच्छा लगता है, मगर तुम तो सिर्फ गुस्से में ही मेरे पास आते हो। अरे जब तक मुझे कोई बहू मानने को तैयार नहीं है, बहू का हक देने को तैयार नहीं है, मैं कब तक अकेले बहू का फर्ज निभाती फिरूंगी? And that too knowing the fact कि जो भी मैं करूँ ना किसी को अच्छा नहीं लगने वाला है। अच्छा नहीं लगेगा तो तुम करोगे भी नहीं, सीखने की कोशिश भी नहीं करोगी? जब टाइम होगा तब करूंगी, फिलहाल मैं अपने प्रोजेक्ट में बहुत बिजी हूँ, वी एंड यू नो दैट। यार राइट, तुम और तुम्हारी जॉब, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बार बार जॉब का ताना क्यों देते रहते हो? मैं ताना नहीं देता हूं, मैं तुम्हें सच बताता हूं काव्या, मैं तुमसे एक्सपेक्ट ही क्यों करता हूं कुछ? एनीवे, अनुपमा सब ठीक कर देगी। वाओ, कैसे फूल झड़ते हैं ना तुम्हारी जबान से अनुपमा के लिए, उसकी तारीफ करते तो तुम थकते ही नहीं हो। मैं तुम्हारी भी तारीफ करना चाहता हूं काव्या, मैं चाहता हूं कि तुम भी बा बापूजी की फेवरेट बहू बनो, वो भी प्राउडली सबको कहें कि काव्या हमारी बहू है, मेरे बच्चे सच में तुम्हें माँ समझे, और मैं भी छाती चौड़ी करके सबको कह सकूं कि काव्या मेरी वाइफ है, जो बाहर भी परफेक्ट है और घर में भी परफेक्ट है। पर मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़ा और कलेश किसी को पसंद नहीं होता काव्या, एक्सेप्ट फॉर मिसेस दवे एंड यू। तो तुम्हें लगता है कि किंजल और अनुपमा के बीच में झगड़ा मैंने लगवाया है? बर्तन अगर नहीं धोने हैं ना तो मत धो, बट प्लीज मेक श्योर कि बर्तन की आवाज ना हो, एंड फॉर गॉड से किंजल को उकसाना बंद करो, उसके लिए मिसेस दवे काफी है। तुम्हारे हिसाब से तो ग्लोबल वार्मिंग की जड़ भी मैं ही हूँ, पर आज जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। किंजल का ये रूप देखकर तो अनुपमा के होश ही उड़ गए होंगे। कोई जरूरत नहीं है 4 बजे उठ के खाना बनाने की, अरे 4 दिन खिचड़ी खा लेंगे तो मर नहीं जाएंगे, और बहुत कपड़े हैं सबके पास, 4 दिन कपड़े नहीं धुलेंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ, सॉरी। सॉरी मत कहिए, अब मेरा गुस्सा ही ना इतना है, जबान पे काबू ही नहीं है, पर
अंकल को मुझे ताना नहीं देना था। तुम्हें भी सुन, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ। देख मुझसे गलती हो गई, पर वो किंजल ने भी तो मुझे पलट के जवाब दिया ना। हा? मेरी सास तो मुझे चाटा मार देती थी, फिर भी मैं चुप रहती थी। किंजल ने मुझे पलट के जवाब दे दिया। गलत किया, पर गलती तो बच्चे ही करते हैं ना। अब हमारी स्वीटी भी कभी कभी पलट के ऐसे जवाब दे देती है फटाफट। जब बेटी को माफ कर सकते हैं तो बहू को क्यों नहीं? आप किंजल से नाराज मत होइए बा। नहीं नहीं, मैं किंजल से नाराज नहीं हूँ, मैं बस दुखी हूँ। अगर वो मुझसे नाराज थी तो मुझे चार बातें कह दे। उसने तो शिकायत करने के लिए अपनी माँ को फोन कर दिया। ये जमाने के बच्चों के पास ना सब कुछ है, बस सबर नहीं है। पहले की जिंदगी सबर सिखाती थी, पापड़ को एक एक करके ऐसे सुखाना पड़ता था, अचार बनाने में महीनों लग जाते थे, और वो सीली बट्टा पे चटनी पीसते थे तब जाके चटनी बनती थी। और आज बस एक बटन दबाओ और सब कुछ हाथ में। ये बटन वाली जिंदगी ने ना हमें सुविधा दे दी, पर हमसे हमारा सुख छीन लिया। देख ना, आज हमारी किंजल हमसे नाराज होती ना, उसने उसकी माँ को फोन किया होता ना, हमारी घर की बात ऐसे बाहर आ जाती। नहीं बा, किंजल ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो फिर नागिन को कैसे पता चला? वो मुझे नहीं पता, पर मेरी किंजल कभी भी इधर की बात उधर नहीं करेगी। वो बहुत समझदार लड़की है, अब जरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगी। वैसे एक बात को बोल, बुरा मत मानिए, पर सबर तो आप में भी नहीं है बा। अब अगर चावल कुकर की जगह माइक्रोवेव में बन गए थे तो इसमें इतना नाराज होने वाली कौन सी बात थी? तेरे बापूजी भी वही कह रहे थे कि हमें समय के साथ बदलना चाहिए, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। नहीं नहीं बा, एडजस्ट तो मजबूरी में करते हैं, जब कुछ कम हो कुछ अच्छा नहीं हो तो एडजस्ट करते हैं। ये तो नया है, अच्छा है, ट्राई करने में क्या हर्ज है? याद है जब पहली बार मैंने नूडल बनाए थे तब आप मुझ पे कितना भड़की थी, कहा था कि ले जा ये केचुए जैसे दिखने वाले खाने को ले जा मेरे सामने से। और अब चाव से चाउमीन बनवा के खाती हैं आप। हम थोड़ा बदलेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे, नया करेंगे, नया खाएंगे। अब हो सकता है कि आपको ओवन वाले चावल इतने पसंद आ जाए कि आप मुझसे कहें कि ए अनुपमा, कुकर में चावल कौन बनाता है? चल ये भी करके देख लेते। पर एक बात है, बदलाव सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, कोशिश तो दोनों तरफ से करनी पड़ती। बा और किंजल के बीच की कड़ी अब मैं हूं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि चाहे कुछ भी हो जाए दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई खटास ना रहे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।